और वहाँ पे साबुत भी है कि जो आदमी खरीदा है वो साहेब राम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं परिवर्तन तक। अभी हमारी टीम जो है आई हुई है, आप देख सकते हैं, चिंतामणपुर में, और यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के अंडर जो है राशन चोरी का जो है मामला सामने आया हुआ है। कि यहाँ पे राजकीय प्राथमिक विद्यालय चिंतामणपुर जो है लिखा हुआ है अंचल नरगटियागंज, और यहाँ पे कुछ ग्रामीणों के द्वारा जो है हमें सूचना मिला कि यहाँ पे रात्रि के करीब जो है यहाँ से कुछ लोग जो है राशन लेकर के और स्कूल की राशन को लेकर के जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए, तमाम यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं वो सारे हैं, आप कैमरे में दिखाइए, स्थानीय लोग यहाँ पे तमाम सारे हैं। और क्या कुछ मामला है, आइए हम यहाँ पे कुछ लोग स्थानीय हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश। क्या मामला था आप लोग बताए हैं? मामला था कि सुबह में हमें खबर मिला कि स्कूल में चोरी हुआ है। अच्छा अच्छा, तो आए तो स्कूल का ताला टूटा हुआ था। अच्छा, टूटा है ताला। देखिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ताला टूटा हुआ, आइए हम पहले ताला देखते हैं कि यहाँ स्कूल में सच में टूटा हुआ है, चावल निकाला गया है या क्या है। देखिए कैमरा लेकर के आइए, देखिए ये है सर, एसी में चावल रखा गया था। देखिए यहाँ गेट नहीं टूट गया है, ताला नहीं टूटा है, बल्कि इसको जो बेल्डिंग किया गया था गेट टूटा है। खोल करके देखिए इसके अंदर, आइए हम दिखाते हैं किस हिसाब से जो है चावल को जो है हटाया गया। देखिए यहाँ इसमें चावल था, यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है, और इसमें से जो है चावल को निकाल करके ले गया गया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? यहाँ पे चावल चोरी हुआ है सच में, आपको जानकारी भी नहीं है? निकाल कर लेके चलेंगे। देखिए यार उन्होंने निकाल करके, देखिए यहाँ पे सब लोग का कहना है निकाल कर। आपका क्या नाम पड़ेगा? यहाँ से चावल चोरी सच में हुआ है ना? चावल चोरी। अच्छा, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन लोग इसमें चावल चोरी किए हैं? अभी नाम ना पता हम, देखिए कि चोरी। अच्छा, मैं आप लोग पहचानते हैं? नहीं। अच्छा, पहचानते नहीं। आइए और लोग भी हैं हम उन लोग से। आपका क्या नाम पड़ेगा? यहीं कराने वाले हैं। आपको भी सूचना मिली है कि यहाँ पर चावल चोरी हुआ है? कितने माने कि क्या कब कितने करीब में जो है यहाँ से चावल को निकाला गया? हमको पता नहीं, लेकिन लोग बोल रहा था कि सुबह में, मैंने बोल रहा था कि 1 बजे करीब में चोरी हुआ। देखिए हम अभी आपको दिखाए भी स्कूल की क्या दुर्दशा है, और गेट को जो है, गेट की जो किले लगाना वाला होता है उसको यहाँ पे तोड़ करके और गेट को बकायदा निकाल करके और यहाँ से चावल को ले गया गया है। हमें सूचना मिला है कि यहाँ के कुछ लोग हैं जो एप्लीकेशन आवेदन जो है थाना में भी जो है सूचित करने वाले हैं, और लोग भी। क्या नाम पड़ेगा? अच्छा, तो इसके ऊपर अब आप लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि इसका जांच होना चाहिए। अच्छा, मैं इसका जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। कौन लोग थे जो इसको तोड़ करके और यहाँ से चावल लेकर के गए जी? तो आप लोग क्या आवेदन वगैरह कहीं दिए हैं अभी? दे रहे हैं सब, देंगे। अच्छा, अभी देंगे। देखिए अभी ये लोग आवेदन दिया नहीं है, लेकिन ये लोग अभी आवेदन देंगे, फिर जो भी स्थानीय लोग, आइए और लोग भी है। जिस हिसाब से जो है यहाँ पे ताला को, ताला के अंदर जो दरवाजे के लगाने वाला था उसको तोड़ा गया है, और तोड़ करके इसमें से जो है चावल निकाल करके और ले गया गया है, बकायदा यहाँ के लोगों का आरोप है। उस हिसाब से और जिस हिसाब से हम आपको दिखाए हैं उससे पूरी तरह से जो है यह क्लियर है और दिख रहा है कि सच में यहाँ से चावल को निकाल करके और चोरी करके ले जाया गया है। सही है कि यहाँ पे जो चावल चोरी हुआ है, सही आरोप है, सही में चावल चोरी हुआ है? जज ने तो हेडमास्टर साहब बोल रहे हैं इससे पहले चावल ही नहीं पाए। तो हमारे साथ जो है चिंतामणपुर के ये वार्ड सदस्य हैं, और इनसे भी देखिए हम जानने की कोशिश, क्या सही में चावल चोरी हुआ है? जी सर, चोरी हुआ है। तो चावल नहीं था तो चोरी क्या हुआ, हुआ है? या सही बात है, मतलब क्या काहे के लिए तोड़ा गया? बिल्कुल सर, फाटक के सर कुछ पूरा कुछ दिखाई देता है, तो जब चावल नहीं था तो काहे के लिए कोई तोड़ेगा? सही है, जब चावल नहीं रहता तो कोई चोरी के मंशा से यहाँ पे नहीं आता। और यहाँ पे देखिए ये लोग आवेदन भी लिखे थे, बोल रहे थे पुलिस कंप्लेन करने के लिए। कहाँ है आवेदन? देखिए यहाँ पे एक आवेदन है, ये लोग दे रहे हैं जी। बोलिए, जब स्कूल में यहाँ पे चावल नहीं था जी, तो फिर यहाँ से बिका कैसे? अच्छा अच्छा, तो अब चावल नहीं था जी, तो हेडमास्टर साहब कैसे बेच दिए? अच्छा अच्छा, खरीदने वाला कैसे खरीद लिया? तो आप लोग जो हमारे वार्ड सदस्य बोल रहे थे कि मतलब चावल कैसे बेचा गया है, जानकारी मिली है कि किसको चावल बेचा गया? और वहाँ पे साबुत भी है कि जो आदमी खरीदा है वो साहेब राम है। अच्छा अच्छा, हाँ देखिए ये आरोप लगा रहे हैं हेडमास्टर के द्वारा, जो चावल बेचा गया है जिनके ऊपर, उनका ये नाम भी बकायदा बताए, हालांकि हम नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब ये लोग नाम बताए, आवेदन भी लिखे हैं। देखिए व्हाट्सएप यहाँ पर लिए हुए हैं, देखिए पुलिस कंप्लेन करने के लिए, देखिए ये आवेदन है, और ये लोग अब जो है पुलिस के पास आवेदन देंगे और इसके निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं यहाँ के जितने भी लोग हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच करने के बाद इसमें जो भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, और यदि प्राथमिक विद्यालय में
जो बच्चों के हित के लिए चावल आता है खाना बनाने के लिए, यदि उस चावल तक को यदि यहाँ के मिली जो भी टीचर्स हैं या जो हेडमास्टर हैं जिनके अंडर में देख रेख रेखाओं में रहता है, यदि वे लोग छोटे छोटे बच्चे के खाने की चावल को यदि बेच दे तो समझिए कि अब यह हमारा बिहार किस ओर जाएगा और अब बिहार के बच्चे इस शिक्षा को कैसे पाएंगे। और इसी मुहिम को लेकर के और इसकी निष्पक्ष जांच हो इसी को लेकर के चिंतामणपुर के जो भी ग्रामवासी हैं वे सारे लोग देखिए अभी ये आवेदन लिखे हैं और यह भी ये आवेदन जो है यहाँ नजदीकी थाना में जाकर के सौंपेंगे और इसकी जांच की पूरी मांग करेंगे। कैमरामैन रोशन के साथ मैं पप्पू कुमार, परिवर्तन तक चिंतामणपुर।